हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत्सरीकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज लेके आए हम ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, जो कि है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पर। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फर्स्ट फेज के बारे में, जो कि साहिबाबाद से शुरू होकर जाएगा गाजियाबाद के दोहाई तक। फर्स्ट फेज में बनने हैं 4 स्टेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दोहाई। तो कितना काम हुआ है साहिबाबाद से दोहाई तक, ये आज हम देखेंगे कि कितना काम हो चुका है, कितना बन चुका है, कहाँ कहाँ इसका काम चल रहा है, और करेंगे बात कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके रूट के बारे में, कब काम शुरू हुआ और कब ये काम पूरा होगा। तो आइए चलते हैं। हम हैं अभी वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास, कार्निवल सिनेमा के सामने, मोहन नगर से आनंद विहार जाने वाली रोड पर। और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फर्स्ट फेज का साहिबाबाद स्टेशन यही प्रस्तावित है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का रूट 82 किलोमीटर का होगा, जो कि दिल्ली के सराय काले खां से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाएगा। इस रूट पर रैपिड रेल का कार्य 3 फेज में किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज साहिबाबाद से दोहाई तक, जिसका काम 2023 तक पूरा होना है। सेकंड फेज साहिबाबाद से आनंद विहार होते हुए सराय काले खां तक, जिसकी डेडलाइन 2024 है। और फेज 3 में दोहाई से मेरठ तक का रूट तैयार होगा, जिसमें मेरठ शहर के अंदर रैपिड रेल का ट्रैक अंडरग्राउंड होगा और इस फेज की डेडलाइन है 2025। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का निर्माण कार्य नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे NCRTC भी कहते हैं, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर की मदद से कर रहा है। इस रूट में भारत सरकार की हिस्सेदारी 75% है, 12.5% दिल्ली गवर्नमेंट की और 12.5% यूपी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। काम जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। बैरिकेडिंग लगभग पूरे रूट पर हो चुकी है और काम तेजी से चलता हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कितना काम हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। पिलर्स बनाने का काम चल रहा है, कई पिलर्स बन चुके हैं और कई पिलर्स पर कंक्रीट की फिलिंग की जा रही है। बेस तो लगभग हर पिलर का लगभग तैयार हो चुका है, जो कि जमीन के नीचे बेस बनाया जाता है। साहिबाबाद से दोहाई तक का पूरा रूट एलिवेटेड है, जिस पर काम चल रहा है। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य का, मतलब रैपिड रेल का, नींव पत्थर रखा था और उसके बाद ही काम शुरू हुआ। और एक साल में काम दिख भी रहा है, जिसकी बड़ी वजह इस रूट पर लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं कि पिलर्स पर काम चल रहा है, पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। जिन पर कंक्रीट नहीं हुई है तो उन पर लोहे का जाल है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम आ गए हैं अब मोहनगर के पास रेलवे ओवरब्रिज पर, और यहाँ से आपको दिखाते हैं रैपिड रेल की प्रोग्रेस, जो बैरिकेटिंग आप देख पा रहे होंगे। साहिबाबाद से आकर यहाँ रैपिड रेल राइट कर्व लेकर सीधे हाथ की दिशा में दिल्ली गाजियाबाद मेन रेलवे लाइन के साथ साथ गाजियाबाद की दिशा में आगे जाएगी। यहाँ रैपिड रेल के लिए रेलवे की जमीन का उपयोग किया जा रहा है और यहाँ भी ट्रैक एलिवेटेड ही होगा। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। मैं खड़ा हूँ राजनगर एक्सटेंशन से दिल्ली एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली हिंडन एलिवेटेड रोड पे। यहाँ से आपको दिखाऊंगा काम रैपिड रेल का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली गाजियाबाद रेलवे ट्रैक के साथ ही
रैपिड रेल के ट्रैक के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। पिछले 3-4 दिन लगातार हुई बारिश के कारण काफ़ी पानी भर गया है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, पर कार्य काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है और कई पिलर्स अब यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पिलर्स के लिए सरियों से बीम तैयार किया जा रहा है और पिलर के सरियों की कटिंग भी चल रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम आ गए हैं अब सिद्धार्थ विहार और नोएडा जाने वाली सड़क पे, रेलवे ओवरब्रिज पर, और यहाँ पर भी रैपिड रेल का काम काफ़ी तेज़ गति से चलता हुआ दिख रहा है। रेलवे लाइन के साथ आती हुई रैपिड रेल का ट्रैक यहाँ से लेफ्ट कर्व लेता हुआ दिल्ली गाजियाबाद रेलवे ट्रैक को क्रॉस करता हुआ मेरठ मोड़ गाजियाबाद की ओर जाएगा। पिलर्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी लगभग तैयार हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ काम चलता हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कितना काम हुआ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गाजियाबाद के पास मेरठ मोड़ पर। रैपिड रेल गाजियाबाद मेट्रो, गाजियाबाद दिल्ली मेट्रो की लाइन को क्रॉस करते हुए यहां तक पहुंचेगी और यहीं गोल चक्कर पर बन रहा है रैपिड रेल का गाजियाबाद स्टेशन, जहां काम बहुत ही तेज़ गति से हो रहा है। यहीं से रैपिड रेल को गाजियाबाद मेट्रो से भी कनेक्ट किया जाएगा। आपको दिखाते हैं कितना काम हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही तेज़ी के साथ काम चल रहा है मैन नेटवर्क, काफ़ी लेबर यहाँ लगी हुई है। हम पहुंच गए हैं अब राजनगर एक्सटेंशन के क्रॉसिंग पर और यहां भी रोड के बीच में बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो कि इसी हफ्ते की गई है, और पाइलिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है। रोड के हैवी ट्रैफिक को फ्लाईओवर से ही निकाला जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहां पर कार्य इसी हफ्ते शुरू हुआ है और बहुत जल्द पिलर भी दिखने लग जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कितना काम हो चुका है और क्या काम चल रहा है।
काम बहुत तेज गति से चल रहा है और ये दिख भी रहा है। पर अगर आप इस रैपिड रेल के इतिहास पर जाएंगे तो शायद आप ये भी कहेंगे कि कार्य हो रहा है, यही काफ़ी है। 1999 में अटल जी की सरकार के समय दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए NCR बोर्ड को रैपिड रेल के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था और NCR बोर्ड ने ये रिपोर्ट 2003 के अंत में जाकर सरकार को दी। फिर 2004 में अटल सरकार चली गई और सरकार बनी UPA की। 10 साल तक रैपिड रेल की रिपोर्ट वाली फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही, बात जरूर होती थी पर कोई काम नहीं। 2013 में NCRTC का गठन किया गया और 3 रूट दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर का चयन किया गया। उसके बाद भी 5 साल और लग गए और मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैपिड रेल का कार्य शुरू किया। रैपिड रेल कार्य शुरू करने का नींव पत्थर रखा और 2025 को पूरा करने की इसकी डेडलाइन रखी। हम पहुंच गए हैं गुलदर और यहां पर भी बनना है रैपिड रेल का एक स्टेशन। सबसे पहले इस रूट पर काम यहीं से शुरू हुआ था और ये देखिए पिलर का पहला टॉप भी तैयार हो गया है। रैपिड रेल के इस रूट का पहला टॉप और इस टॉप को भी तैयार कर लिया गया है, तो काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, दूसरे टॉप पर भी शटरिंग कर ली गई है और इसको भी अब कंक्रीट से तैयार कर दिया जाएगा और बीच में गार्डर रखने के लिए भी शटरिंग लगाई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें और भी टॉप दिखाई देंगे, क्योंकि इस रूट पे सबसे पहले काम स्टार्ट होने के कारण यहाँ लगभग सभी पिलर्स तैयार हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम आ गए हैं गाजियाबाद के दुहाई में और यही बनना है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ वन का स्टेशन और यहीं पर एक डिपो बनना है रैपिड रेल के लिए। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, जो कि हमने कवर किया दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ वन, जो कि गाजियाबाद के साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद के दुहाई तक आता है। होप करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Keep loving, keep supporting. Till then.